खबर शामिल करते हैं सांगढ़ से, जहां सैलाबी रैली की तबाहकारियां जारी हैं। बागात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जानवरों के लिए चारे की कमी वाकया हो चुकी है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा इशफाक सुलहरी से। जी इशफाक, मवेशी मालिकान को किन किन परेशानियों का सामना है? सैलाब की तबाहकारियों की अगर बात की जा रही है, तो इस वक्त पूरे मुल्क की तरह सांगढ़ में भी सैलाब की तबाहकारियाँ जो है वो इस वक्त जारी हैं। सांगढ़ बरसाती रेले के बाद जहाँ पर गांव के गांव जो है वो खाली हो चुके हैं, वो शहर की तरफ पानी जा रहा है, लोग जहाँ पे गैर महफूज हो चुके हैं, इंतजामिया कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही, सियासत क्यादत जो है वो भी कहीं पर नज़र नहीं आ रही। रिलीफ का जो काम है वो जहाँ पर सियासी बनादू पर हो रहा है, लोग जो है इस वक्त पानी में फंसे पड़े हैं। और यहाँ पर इस वक्त सांगढ़ के अंदर 2.5 लाख हेक्टेयर पर जो कपास की फसल लगाई गई थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। 2 लाख हेक्टेयर पर बागात थे वो तबाह हो चुके हैं। 1 लाख हेक्टेयर पर जानवरों का घास लगाया गया था वो ख़त्म हो चुका है। भूसा जो था वो इस वक्त दरियाब आ चुका है और जानवरों की मौत जो है बड़ी तेज़ी से फैल रही है। फौरी तौर पर जहाँ पर जानवरों को जो घास जो है उसकी फरहमी इंतहाई ज़रूरी होने के साथ साथ इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इंसानी ज़िंदगी को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मलेरिया, गैस्ट्रो और दिल की बीमारियों में बेपनाह जहाँ पर इजाफा हुआ है। सांगढ़ के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर पानी होने के बाद और जल्दी डॉक्टर ना होने के बाद यहाँ के जो लोगों को जो है मेडिसिन की सहूलतें हैं और डॉक्टर्स की सहूलत नहीं है। इस वक्त आलमी अदारों को, वफाक को, सूबाई अदारों को चाहिए कि सांगढ़ के आवाम को जल्दी बीमारों से, गैस्ट्रो से और मलेरिया से बचाने के लिए फौरी तौर पर मेडिसिन की फरहमी को यकीनी बनाने के साथ साथ जहाँ पर डॉक्टरों की टीमों को भेजा जाए, मेडिकल कैंप लगाए जाएँ ताकि सांगढ़ के आवाम मुख्तलिफ बीमारों से बच सके। जहाँ पर फौरी तौर पर बागात जो हैं वो तबाह हो चुके हैं और जानवरों के साथ साथ जहाँ पर टेलीफोन, गैस और बिजली के जो खंभे हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। दही इलाकों के अंदर गैस, बिजली और जहाँ पर टेलीफोन की सहूलतें वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और लोगों को महफूज मकाम पहुँचाने के लिए किसी भी तरह इंतजामिया की तरह से इकदाम नहीं की जा रही थी।